महीने प्रवचनों का श्रवण करने के बाद लगातार परमात्मा महावीर से जो ज्ञान गणधरों को मिला, गणधरों से जो ज्ञान सुधर्म स्वामी की पाठ परंपरा को मिला, और वही परंपरा चलते 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 अनेकों गुरु भगवंतों के पास पहुंची। उन्होंने अपने शिष्य को यह ज्ञान प्रदान किया और अनेकों शिष्य आज के समय में हजारों भाविकों को, लाखों भाविकों को चतुर्मास के चार महीने के दौरान सम्यक ज्ञान प्रदान करते रहे, ज्ञान की गंगा बहाते रहे, ज्ञान देते रहे, ज्ञान प्रदान करते रहे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जीवन में समझने की कोशिश करना कि चार चार माह के प्रवचन के बाद हमने जीवन में पाया क्या, क्योंकि मैं थियोरिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल पे भरोसा करता हूं। थियोरिकल बहुत सुन लिया आपने, जीवन में आपने बहुत प्रवचन सुन लिए, चाहे चतुर्मास के हो, उसके पहले के हो, अनेकों चतुर्मास आपके बीत गए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने तीन चीजें बताई कि प्रवचन सुनते 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 ये तीन चीजों में कहीं ना कहीं आपका प्रवेश हुआ, ये तीन चीजों में कहीं ना कहीं आपको लगा कि थोड़ा सा भी हम इसमें प्रवेश कर लिए तो निश्चित तौर पर समझना कि आपका सुना हुआ सार्थक हुआ। वरना भगवान ने दो कान तो दिए ही है, एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना, उससे कुछ नहीं होने वाला। मात्र मैंने पहले भी कहा था कि सुनने से कुछ नहीं होगा, स्वीकार करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और स्वीकार करने के बाद उस मुताबिक जीवन में उतारना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा महावीर ने भी कहा कि आचरण सबसे श्रेष्ठ है, आचरण सबसे कठिन है, सुनना सरल है, समझना सरल है, स्वीकारना सरल है, लेकिन उसको आचरित करना, उसको आचरण में लाना, उसको सही मायने में जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि समझना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन तीन चीजों से करना आज के दिन बैठ करके, कि चार चार महीने जहां पर भी हमने प्रवचन श्रवण किए हो, जितना भी हमारे पल्ले पड़ा हो, जितना भी हमारे दिमाग में बैठा हो, जितना भी हमें श्रवण करने का समय मिला हो, चाहे कोई भी माध्यम से आपने श्रवण किया हो, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रवचन श्रवण के बाद ये तीन चीजों में परिवर्तन आना चाहिए। का सबसे पहले नंबर में दुख में आंसू कम हो जाए। जब जब जीवन में दुख आए निश्चित तौर पर समझना आंसू की कमी आ जाए, आंसू कम हो हमारे दुख में, यानी कि समता भाव जीवन में प्रकट हो, यह प्रवचन की पहली फलश्रुति है। आंसू कम हो दुख में। पहले जब दुख आता था तो मात्र भैया आंसू की बात नहीं है, भीतर से आदमी रोता है, बाहर तो शायद समाज की शर्म के कारण, परिवार की शर्म के कारण वो रो नहीं पाता, आंसू नहीं निकाल पाता। लेकिन शास्त्रकार भगवान तो कहते हैं जब दुख आता है तो आदमी भीतर से रोता है, भीतर से त्रस्त होता है, भीतर से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करता है, भीतर से परेशानी महसूस करता है, रात दिन उसको सोचते रहता है, रात दिन उसी विचारों में रहता है। किसी ने एक वर्ड कह दिया, उसने कहने में 10 सेकंड लगाई, 10 दिन हमने हमारे उसके पीछे बर्बाद कर दिए, किसी ने हमारे लिए निंदा कर दी, उसके कहने में 1 मिनट लगी होगी, लेकिन 1 महीना हमने उसके विचारों में खराब कर दिया। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना, दुख कम लगने लगे तो समझना कि प्रवचन आपको फलीभूत हुआ। दुख में आंसू कम हो, जीवन का सिद्धांत है, सुख दुख जीवन में आते हैं। इसीलिए कवि प्रदीप ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। गजब की बात लिखी, हरेक के जीवन में धूप छांव आते, हमारे जीवन में भी आएंगे, आपके जीवन में भी आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर समझना, हमारे यहाँ पे लिखा गया कि परमात्मा के शासन का श्रावक वो नहीं जिसके जीवन में दुख ना आए, परमात्मा के शासन का श्रावक वो जो दुख आते हुए भी दुखी ना हो। दुखी ना हो, दुखी क्यों हो? हम जानते हैं कि हमारे किया हुआ, हमारे किए हुए कर्मों का फल है और कुछ नहीं है। आपके जीवन में जब भी दुख आए एक ही विचारधारा रखो, तभी समता भाव रहेगा कि हमारे किए हुए कर्मों का फल है और कुछ नहीं है। का प्रवचन की पहली फलश्रुति, दुख में आंसू कम हो जाए। मैं नहीं कहता हूं चले जाए, हम इतने ऊपर स्टेज तक अब नहीं पहुंचे, लेकिन कम से कम तो हो जाए। जो छोटी छोटी चीजें हमारे मायने रखती थी, जो छोटी छोटी चीजें हमें परेशान करती थी, जो छोटी छोटी चीजों से हम व्यथित हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, अब थोड़ी तो शांति बने उसमें। दूसरी फलश्रुति कहा कि सुख में हंसी कम हो जाए। सेल्फ ऑब्जर्व करो, हमने इतना चार चार महीने सुनने के बाद में जीवन में पाया क्या, ये सेल्फ ऑब्जर्व करने की बात है। ऋषि ने कहा कि दुख में आंसू कम हो जाए, सुख में हंसी कम हो जाए।
कई लोगों के मन में भ्रमणा होती है कि धर्म आनंद का विरोधी है। मैं कहता हूं नहीं, आनंद का विरोधी नहीं। धर्म कहता है कि आप सुख आवे तभी आनंदित ना रहो, आपको तो दुख में भी आनंदित रहना है। दिन के 2400 घंटे आनंद में रहना है, साल के 365 दिन आनंद में रहता है। धर्म यह कहता है कि जब सुख आवेगा तब तू आनंद में रहेगा, तब तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आएगी, तब तेरे चेहरे पर हंसी आएगी। तो निश्चित तौर पर समझ लेना, जब वो जाएगा तो तेरी आंख में आंसू भी आएंगे। यदि हंसी और आंसू सिक्के के दो पहलू हैं, समझना, जिसके जीवन में हंसी है उसके जीवन में आंसू आ सकते हैं। ये कर्म राजा का सिक्का कभी भी उलट हो सकता है, कभी भी उल्टा हो सकता है, कभी भी घूम सकता है। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समझ लेना, ज्यादा हंसी में डूबा तो आंसू इतने आएंगे कि जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा सुख में हंसी नहीं, ज्यादा हंसी नहीं। ठीक है, सुख था, पुण्य का उदय था, सुख आया, इसमें कितना परमार्थ कर सकता हूं, इसमें कितना दूसरों के लिए कर सकता हूं, इसमें कितना किसी का भला कर सकता हूं, ये विचार जब आपके जीवन में आए तो समझिएगा कि प्रवचन थोड़ा सा फलीभूत हुआ है जीवन में। इसलिए कहा कि निश्चित तौर पर समझने की कोशिश करना, पहले नंबर में दुख में क्या नहीं, आंसू नहीं, दूसरे नंबर में सुख में हंसी नहीं, और तीसरी बात करी सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आंसू कम हो जाए तो समझिएगा आपने 4 महीने सुना वो सार्थक हो गया। हंसी कम हो जाए तो समझिएगा कि आपने 4 महीने जो सुना वो सार्थक हो गया। और तीसरी बात करी कि पाप में रुचि नहीं। यदि समता भाव होगा तो आंसू कम होगे, समभाव होगा तो हंसी कम होगी, और साक्षी भाव होगा तो निश्चित तौर पर रुचि कम होगी। का पाप करना पड़े, आप सांसारिक जीव हो, हर कदम कदम पे आपके सामने ऐसे अवसर बनते हैं, आपके सामने ऐसी जिम्मेदारियां हैं, आपका जीवन ऐसा है कि कहीं ना कहीं पाप का बंध होता है, कहीं ना कहीं पाप करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहां कहा गया कि श्रावक पाप से मुक्त न हो, लेकिन पाप भीरु जरूर हो, पाप से डरता हुआ जरूर हो, पाप की रुचि न हो, उसको करना पड़े तो जबरदस्ती करना पड़े, ये भाव उसके भीतर हो। इसलिए कहा कि प्रवचन श्रवण की तीसरी फलश्रुति ये है, निश्चित तौर पर समझना कि पाप में रुचि नहीं। पाप कम हो ना हो दो नंबर की चीजें, हो जाए तो अच्छी बात, आपके जीवन से हम तो चाहते हैं कि पाप शून्य हो जाए, आपका जीवन पापों से कम हो जाए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कम ना हो, आप नहीं कम कर सकते, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जीवन चल रहा है, व्यवहार है, व्यापार है, परिवार है, बिजनेस है, हर चीज आप लेकर के बैठे हो, पाप कम नहीं कर सकते। मैं आपको ये कहना चाहता हूं रुचि तो हम कम कर सकते हैं, इंटरेस्ट तो कम कर सकते हैं, जो एक आनंद के साथ रुचि के साथ जो पाप करते हैं और बिना आनंद बिना रुचि के पाप करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है, उसमें कर्म बंध में भी जमीन आसमान का फर्क है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं जीवन में समझ लेना, रुचि के साथ पाप किया तो 100% कर्म बंध होगा, और बिना रुचि पाप किया तो शायद 1% में काम चल जाएगा। और इसीलिए यदि बचना है तो निश्चित तौर पर जीवन में जीवन का ये उसूल बनाइए कि पाप में रुचि कम से कम हो, जो करना पड़े वो करना पड़े। और जब साक्षी भाव आएगी परमात्मा की बताई हुई 12 भावनाओं के ऊपर आपका जब दिमाग चलेगा, आप उसके ऊपर चिंतन मनन करोगे तो निश्चित तौर पर साक्षी भाव आपके जीवन में आएगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझ लीजिएगा, प्रवचन श्रवण 4-4 महीने करने के बाद में फलश्रुति स्वरूप 3 चीजें हमारे जीवन में प्राप्त होनी चाहिए। और यदि 3 चीजें प्राप्त हुई, हम आज बैठ करके खुद का सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें, खुद को देखें, खुद को निहारें, ये 3 चीजें हमने कहीं ना कहीं थोड़े अंश से भी पाई है तो कहीं ना कहीं हमने प्रवचन को श्रवण किया है, उसको सुना है, उसको स्वीकारा है, उसको सार्थक किया है। वरना मात्र कानों तक ही बात रह गई, हृदय और दिमाग तक बात पहुंची नहीं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रवचन श्रवण, आपने 4 महीने जो प्रवचन सुना उसकी 3 फलश्रुति हमें जीवन में प्राप्त करनी है। सबसे पहले नंबर में दुख में आंसू नहीं, दूसरे नंबर में सुख में हंसी नहीं, और तीसरे नंबर में पाप में रुचि नहीं। ये 3 चीजें आवे तो समझिएगा कि कहीं ना कहीं हमने सही मायने में प्रवचन श्रवण किया है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।